नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र केएन मौर्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल केएन मौर्या जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती में आज हम बात करेंगे मिर्च की खेती की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि जनवरी लास्ट से या फरवरी शुरू से मिर्च के जो हमारे किसान भाई हैं मिर्च की रोपाई अपने खेतों में शुरू करेंगे, और यदि मिर्च की खेती में हम ध्यान न दें और खेत की सही ढंग से तैयारी न करें तो आने वाले समय में मिर्च में हमारे बहुत सारे रोग लग जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से हम अपने खेतों की तैयारी शुरू कर दें। जिन किसान भाइयों के पास खेत खाली हैं वो अभी से 20-25 दिन पहले से शुरुआत कर देंगे, जिन किसानों भाइयों के पास खेत खाली नहीं है मजबूरी है तो उनकी वो अपने तरीके से करेंगे। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये खेत है किसी किसान का, वो मिर्च की खेती के लिए अपने खेत को अभी से तैयार कर रहे हैं। ये खाली खेत को एक बार इन्होंने जुतवा दिया है, जुतवा करके घास वगैरह निकलवा दिया है। अब इसमें आपको करना क्या है, यदि आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद को खेतों में डाल करके छींट करके तुरंत जुताई करा देनी है। अभी हम आज बैठे हैं 4 जनवरी को, 4 जनवरी है, और कम से कम गोबर की खाद जो आप अपने खेतों में डालना चाहते हैं वो 21 दिन पहले गोबर की खाद आपके खेतों में पड़ जानी चाहिए। 21 दिन पहले कम से कम अपने खेतों में गोबर की खाद डाल लेनी है और डाल करके उसे छींट करके जुताई करा देनी है। जुताई कराने के बाद जैसे इस तरह से आपने जोत दिया, पाटा लगा करके जुताई उताई करके जुताई करा दिया आपने, और जुताई कराने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें पानी चला देना है। जब जुताई करके पानी इसलिए चला देना है ताकि गोबर की खाद पूरी तरह से मिट्टी में हमारी गल जाए, मिल जाए, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो खाना शुरू करें। और इसके साथ साथ यदि आपको अवेलेबल हो, आपके पास बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरिया को डालिए, और यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्रीमियम नाम का एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट आता है जिसमें करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया है, और हमारे खेतों में बैक्टीरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बढ़िया हमारी उपज होगी, उतनी कम बीमारियां आएंगी, उतना कम फंगस आएगा, उतनी ढीली मिट्टी होगी, और जितनी ढीली मिट्टी होगी जड़ें गहरी जाएंगी, अवशोषण प्लांट पोषण को लेगा, आपकी मिट्टी कड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बैक्टीरिया डालना है, मैं उसका पिक भी आपको दे दूंगा। दूसरी चीज़, यदि आप जिन किसान भाइयों के पास 21 दिन 25 दिन का समय नहीं है, 20 दिन का समय नहीं है, वो क्या करेंगे, वो सलरी बना लेंगे। सलरी बहुत आसानी से मैंने बना करके बताई है, उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जिन किसानों के पास समय है वो 21 दिन पहले गोबर की खाद डालेंगे, गोबर की खाद के साथ एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट प्रीमियम आता है उसको डाल लेंगे, और डाल करके छिटाई कर देंगे, खाद को छीट करके जुताई कर देंगे, और 10 किलो गोबर की खाद में प्रीमियम को मिला करके छिट्टा दे देंगे, या फिर आप प्रीमियम को मशीन से स्प्रे मशीन से पूरे खेत में स्प्रे कर देंगे और जुताई करके पानी चला देंगे। ये पहला काम आपने कर लिया। फिर जब आप दूसरी तीसरी जुताई करेंगे, जब दूसरी तीसरी जुताई, या फिर आप ये मान लीजिए आज जुता दिया, ठंड का दिन है तो खेत थोड़ा देर में तैयार होता है, तो आप क्या करेंगे, जब बुआई करनी हो तो उस समय जब आप जुताई करेंगे तो उस समय आपको अपने खेत में मल्टीपल फंगिसाइड का प्रयोग करना है। यदि 5 दिन पहले खेत की जुताई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 250 ग्राम मल्टीपल फंगिसाइड को स्प्रे कर देना है खाली खेत में जुताई से पहले, और फिर जुताई करनी शुरू कर देनी है। जुताई शुरू करने के बाद जब अंतिम जुताई करेंगे और जो भी फर्टिलाइजर आप डालना चाहते हैं या डालते रहे हैं उसका कम से कम 30% कम, एक तो आप ये प्रयास करें कि एक्सेस फर्टिलाइजर ना हो, जो फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं 30% कम करके हम अपने खेतों में डाल लें, डाल करके उसकी बढ़िया से जुताई कर देंगे, और जब आप रोपाई करने को तैयार हो तो यदि 5 दिन पहले आपने खेत को जुतवाया है तो एक फंगिसाइड का स्प्रे आपने मिट्टी पे कर दिया है। दूसरा, यदि 5 दिन बाद जब आप प्लांट रोपेंगे उस समय भी लास्ट जुताई के समय एक बार अपने खेत को मेड़ निकालने से पहले एक बार अपने खेत को जुताई करते समय फिर 250 ग्राम मल्टीपल फंगिसाइड को दे देंगे। मल्टीपल फंगिसाइड को जमीन में देने से जो आपके खेतों में
समस्याएं उकठा की आती हैं, समस्याएं जड़ गलन की आती हैं, समस्याएं गलने की आती हैं, पौधे गलने लगते हैं, उसकी समस्याओं में आप 50-60% पहले साल में ही कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी चीज़, जब आप रोपाई के लिए तैयार होंगे, मेड़ उड़ बना लें, यदि आप देख लें पानी निकासी की समुचित व्यवस्था कर लें, गर्मियों का अभी मिर्चम बोएंगे तो बारिश तक खींचेगी, बारिश भी खींचेगी, लंबे समय तक चलेगी, तो यदि पानी रहेगा तो गलेगी, इसलिए मेड़ पे ही मैं आपको बताऊंगा कि मेड़ पे ही लगाएं। और जब लगाना हो तो लगाने से पहले जब आप नर्सरी से पौधे ले आएं तो एसटी सीड ट्रीटमेंट FIR टेक्नोलॉजी पे बना हुआ सीड ट्रीटमेंट को लें। 2-3 लीटर पानी में उसे, मान लीजिए 1 एकड़ लगाना हो तो 4 लीटर पानी में 100 ml मिला लेना है, और उसमें 10-15 ग्राम 20 ग्राम फंगिसाइड को मिलाकर घोल लेना है, और उसकी जड़ों को डीप करके 10-20 सेकेंड रख करके फिर एक साइड में रख दीजिए, और उसे छाया में रखिए। छाया में रखने के बाद लगवाना शुरू करिए। अब जो 4 किलो पानी आपके पास बचा होगा, यदि आप ड्रिप से चलाते हैं तो जब प्लांट लग जाता है तो ड्रिप में वो 4 लीटर पानी चला दीजिए, 2 लीटर पानी चला दीजिए जो भी बचा है, और नहीं तो फिर जैसे हम डुटियाते हैं, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में डुटियाना कहते हैं, उसको पानी देते हैं, तो उस पानी को और पानी में मिला करके ऐसे लगा लेंगे। इस तरह से यदि आप मिर्च की खेती की शुरुआत करेंगे, खेत की इस तरह से तैयारी करेंगे, बढ़िया से जुताई करके एक बार बैक्टीरियल खाद आपने डाल दिया, गोबर की सड़ी हुई खाद जो अवेलेबल है वो डाल दिया, 15 दिन बाद जब जुताई करेंगे, 20 दिन बाद जुताई करेंगे तो उसमें एक बार फंगीसाइड डाल दी, फिर लास्ट बुआई के समय फंगीसाइड डाल दी, और फंगीसाइड और एसटी से अपने बीज को ट्रीटमेंट कर दिया, तो आपका जो पौधा होगा उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बीमारियां बहुत कम आएंगी, और ये इसका विकास भी बहुत तेज़ी से होगा। मित्रों, इसके साथ साथ आप यदि, मैं आपको बता रहा हूँ जैविक खेती के बारे में, यदि आप सलरी बना के अपने खेतों में डालें तो भी बहुत ही बढ़िया काम करेगा। ये मैं सलरी बनाने का नियम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और भी किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, और मिर्च की खेती जब आप लगा लेंगे उसके बाद निराई गुड़ाई करते समय आप क्या क्या डालेंगे उसकी भी एक वीडियो बना करके फेब के जनवरी के लास्ट वीक में मैं आपको दे दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।